नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी आज की हिंदी अनिवार्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं गद्य भाग का पहला पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भय। तो पाठ शुरू होने से पहले हम लेखक का परिचय पा लेते हैं थोड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानून को थे। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा पास की, कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु FA इंटर करने से पूर्व ही पढ़ाई छूट गई। सरकारी नौकरी शुरू की परंतु उसको आत्मसम्मान के विरुद्ध पाकर छोड़ दिया और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर हो गए। उसके बाद स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, बांग्ला आदि भाषाओं का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। आपने काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। बाद में आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। सन 1941 में आपका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। शुक्ल जी की पहली प्रकाशित रचना मनोहर छटा नामक कविता थी। बाद में आपका रुझान गद्य लेखन की ओर हुआ। आपने हिंदी गद्य में निबंध, समालोचना आदि विधाओं में प्रशंसनीय योगदान दिया। आपकी मनोविकार संबंधी निबंध हिंदी में अद्वितीय है। समालोचना के क्षेत्र में भी आपने मौलिक कृतियों की रचना कर उसे नई दिशा दी है। आपने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास भी लिखा है। आपकी चिंतामणि भाग एक को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। इनकी कृतियां हैं निबंध संग्रह चिंतामणि भाग एक तथा दो और कथा विचार विधि, इनके निबंध संग्रह है। समालोचना ग्रंथ है इनके सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इसमें सूर, तुलसी, जायसी पर लिखी गई आलोचनाएं संग्रहित है। संपादन इन्होंने किया तुलसी ग्रंथावली का, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इतिहास है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। अन्य में अभिमन्यु वध काव्य है इनका, 11 वर्ष का समय कहानी है, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र, ये इनकी काव्य है, अनुदित रचनाएं हैं इनकी। शुक्ल जी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान, परिमार्जित, गंभीर, सजीव और प्रवाहमयी है। आपने वर्णनात्मक, गवेशनात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक शैलियों को अपने लेखन में अपनाया है। और प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं भय, आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित भय मनोविकार से संबंधित एक निबंध है। शुक्ल जी के चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में उत्साह, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध आदि निबंध संग्रहित है। उनमें से ही भय भी एक है। तो इस निबंध के माध्यम से कवि ने भय नामक मनोविकार को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से और व्यापक से व्यापक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, भांति भांति से उदाहरण देकर के, किस्सा कोई शैली में और अनेक प्रकार से इस भय मनोविकार को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आइए अब हम पढ़ने जाते हैं भय। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। सबसे पहले भय की परिभाषा कि भय किसे कहते हैं, तो भय किसी आती हुई आपदा, यानी कि हमें लगे कि कोई आपदा आने वाली है जीवन में, आती हुई आपदा की भावना हमारे मन में उत्पन्न होगी या कारण से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होने वाला है, दुख के कारण में साक्षात्कार से, यदि वो कारण हमारे सामने प्रकट हो जाए, दुख के कारण में साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण, यानी कि हमारी जो प्रतिक्रिया
तब तो उसे कहेंगे आमिर को, यानी कि उसे बचाव के उपाय हम करेंगे, तब तो वो जो हमारा मनोविकार है वो आवेगपूर्ण होगा या स्तंभकारक या फिर स्तंभकारक। स्तंभ का मतलब होता है निश्चेष्ट, निष्क्रिय, अचेतन, जड़, चेतनाहीन। तो स्तंभकारक बिल्कुल हम जड़वत खड़े हो जाएंगे। जैसे शेर आ गया हमारे सामने, शेर आ गया तो दो प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, या तो हम भाग करके अपनी रक्षा कर लेंगे तब वो तो हो जाएगा आवेगपूर्ण, या फिर हम भयभीत होकर के वहीं जड़वत खड़े हो जाएंगे खंभे की भांति, हिलना डुलना भी हमसे संभव नहीं हो पाएगा, तो वो हो जाएगा स्तंभकारक। तो देखिए, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, मनोविकार हमारे मन का विकार होता है, उसी को भय कहते हैं। उसी को भय कहते हैं। बिल्कुल भय की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। फिर देखिए भय और क्रोध, क्रोध भी एक मनोविकार है लेकिन क्रोध और भय में अंतर रहता है। तो यहाँ पर क्रोध और भय में अंतर भी हमारे स्पष्ट हो जाएगा कि क्रोध किस प्रकार होता है, भय किस प्रकार होता है, क्रोध का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, भय का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों किस रूप में निर्देश करते हैं या प्रेरणा देते हैं। तो देखिए क्रोध दुख के कारण प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। देखिए मैंने प्रश्न किए हैं आप लोगों को, एक तो भय जिसे कहते हैं और दूसरा भय तथा क्रोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब तक हम ये इतना पढ़ चुके होंगे आपके पास इन दोनों प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध जब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा जिस चीज से हमें दुख हुआ है, उस दुख का जो कारण है, उस दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए क्रोध हमें आकुल करेगा। क्रोध की क्या प्रेरणा रहेगी, हमें आकुल करेगा, हमें बेचैन कर देगा, हमें विचलित कर देगा, हमें विवश कर देगा कि जिस चीज की वजह से हमें दुख हो रहा है उसको हम प्रभावित करें, उसको हम चोट पहुंचाएं, उसको हम हानि पहुंचाएं, उसका हम कुछ नुकसान करें। तो क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। और भय, भय क्या करता है, भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। देखे क्रोध और भय में अंतर, पहला अंतर बहुत बड़ा अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्रोध और भय में कि क्रोध जो है वो तो दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए हमें आकुल करेगा, यानी कि जिस चीज की वजह से हमें क्रोध, हमें दुख हो रहा है उस चीज को नष्ट करना, उसको नुकसान पहुंचाना आगे के लिए प्रेरित करेगा। और जबकि अगर हमें भय होगा, अगर हमें भय हुआ तो हम क्या करेंगे, उस दुख के कारण से बचने का प्रयास करेंगे, दुख के कारण से अपना बचाव करेंगे क्योंकि उस समय भय है, भय नामक मनोविकार हम पर हावी है, तो हम दुख के कारण से बचाव का उपाय करेंगे। और यदि क्रोध है तो हम उसके सामने भिड़ जाएंगे जाकर के कि क्यों ऐसा कर सकता है वो मेरे साथ, ठीक है। और देखिए दूसरा जो अंतर है भय और क्रोध में, क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्रोध दुख के कारण, दुख का जो कारण है यानी कि जिस कारण से हमें दुख हो रहा है उसका स्वरूप अर्थात पता चलना चाहिए हमें कि किस लिए हमें दुख होने वाला है, हमारे दुख का कारण क्या है, उसका स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यानी कि जब तक हम कारण जान नहीं लेते तब तक हमें क्रोध नहीं आएगा। भय तो आ सकता है, भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन क्रोध उत्पन्न होने के लिए दुख के कारण का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। यदि दुख का कारण चेतन होगा, सजीव होगा और ये भी समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचा रहा है, दुख का कारण यदि सजीव है और साथ में ये भी समझा जाए कि उसने जानबूझकर भी हमें दुख पहुंचाने का प्रयास किया है, तब क्या होगा, तब क्रोध होगा। दुख का कारण सजीव है, जानबूझकर भी उसने हमें दुख पहुंचाने का प्रयास किया है, तब हमें क्रोध होगा। लेकिन भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, भय उत्पन्न होने के लिए कारण जानना आवश्यक नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए हमें, इतना पता मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि हो जाए।
क्या कहते हैं कि यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ज्योतिषी और गवार, ज्योतिषी भविष्यवाणी करने वाले, भविष्य बताने वाले, और गवार अर्थात अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, उस अज्ञानी और अज्ञानी तो अंधविश्वासी होते हैं, ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करते हैं। तो ज्योतिषी उस अज्ञानी से कहे, गवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो क्या होगा? उसे क्रोध आएगा या नहीं होगा? उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि अभी दुख के कारण का स्वरूप नहीं पता है उसे। उसे सिर्फ ये सुनाया गया है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। तो ये दुख समझ करके और भावी आपदा समझ करके दुखी भयभीत हो जाएगा, तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा तब जब कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहेगा कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तब उसे क्रोध नहीं होगा, तब उसे भय होगा। क्यों क्रोध नहीं होगा? क्योंकि अभी जो दुख होने वाला है, हाथ पांव टूटने वाले हैं, इस दुख के कारण का स्वरूप नहीं पता उसे, उसे सिर्फ ये पता चला है कि ये दुख होने वाला है। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे, उसी गवार व्यक्ति से ज्योतिषी की जगह कोई और आकर कहे कि कल अमुक 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 अर्थात फला फला वह वह तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे कल, तो वह तुरंत तब क्या होगा? देखो तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तब उसे ऐसे काम नहीं चलाएगा, तब मैं भी रोकर के बैठने का नहीं, तो वह तुरंत चौरी बदल कर कहेगा, टाव में उपदेश में आकर कहेगा, अपने हाव भाव बदलते हुए कहेगा, उल्टी तान कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा, कौन है मेरे हाथ पैर तोड़ने वाले, मैं भी देख लूंगा। मतलब ये क्या है? ये क्रोध है, ये क्रोध की प्रेरणा से बोला गया वाक्य है। तो इस प्रकार भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं, इतना पर मालूम होना चाहिए कि दुख या आपत्ति आएगी, लेकिन क्रोध के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक है, स्वरूप बोध होना आवश्यक है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि ये भी समझा जाना आवश्यक है कि जो दुख का कारण है वो सजीव है, और जान बूझ करके उसने हमारे साथ ऐसा किया है तभी क्रोध होएगा। और भय के लिए सिर्फ ये वर जानना आवश्यक है कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत होने वाला है तो हमें भय व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भय शुरुआत की, हमें समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छा निबंध है आचार्य शुक्ल जी का, गंभीर भावों से युक्त। देखिए प्रश्न, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ, भय किसे कहते हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण का साक्षात्कार होने से जो एक आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। और भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भय और क्रोध में अंतर, क्रोध, हाँ भय जो है, क्रोध जो है वो दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, और भय जो है वो दुख के कारण की खोज से दूर होने के लिए हमें प्रेरित करता है, पहला कारण। दूसरा कारण, दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, ये समझा जाएगा कि दुख का जो कारण है वो सजीव है, चेतन है, और साथ में ये भी समझा जाएगा कि जानबूझकर उसने ऐसा किया तभी क्रोध होगा, जबकि भय के लिए ये सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि दुख होने वाला है, दुख का पता लगने वाला है, भावी आपदा का या अनिष्ट का पता लगते ही हमें भय उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि क्या कारण है, किस तरीके से बस स्वरूप बोध को जानना आवश्यक हमारे नहीं होगा। बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया दिए गए हैं, तो बिल्कुल आपको उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। दो नंबर का प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल आपके ये दो तीन अंतर जो है वो ये है कि क्रोध जो है वो दुख के कारण से प्रभाव डालने के लिए आसन करता है, और भय उसके कौन से बाहर होने के लिए, क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं उत्पन्न होता, यदि दुख का कारण चेतन है और ये समझा जाएगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो तभी क्रोध होगा, और भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना आवश्यक नहीं, सिर्फ इतना नंबर आवश्यक इतना नंबर पता होना चाहिए कि दुख क्या, कि दुख या हानि पहुँचेगी। ठीक है, आई बात समझ में, इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।